नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस की 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हमने मार्च के करंट अफेयर्स लगभग आधे ख़त्म कर लिए थे। आज का जो वीडियो है उसमें हम बाकी के जो करंट अफेयर्स मार्च के बचे हुए हैं उनको ख़त्म करेंगे, और अब अगला जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो ये सीरीज़ कैसे चलेगी, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी। तो आज वो सब बातें हम नहीं करेंगे, आज हम सीधे पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा हो तो उसको एक बार, उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। अच्छा, जैसा कि आपको याद होगा, कल हम लोगों ने कोरोना से संबंधित टॉपिक्स उठाए थे, और हमने ये डिसाइड किया था कि पहले हम कोरोना से संबंधित सारे टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज का जो पहला टॉपिक है वो है मास्क और सैनिटाइज़र्स के बारे में। ये न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? मास्क और सैनिटाइज़र को हाल ही में असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंतर्गत ले आया गया है। अच्छा, इस बीच आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या वैसे भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े नेताओं ने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, क्योंकि ये कोरोना के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ऐसा हुआ तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था कि बीच में आपने देखा होगा कि मास्क और सैनिटाइज़र मार्केट से लगभग गायब हो गए थे, बहुत कम दुकानों पर वो उपलब्ध थे, और जहाँ उपलब्ध थे भी वहाँ पर वो बहुत महंगे बिक रहे थे। अगर उदाहरण देखें तो जो सैनिटाइज़र आज से 3 महीने पहले 80 रुपये का मिलता था, वो 200 रुपये, 250 रुपये तक का कई दुकानों पर बेचा गया है। तो ये जो आज का ये टॉपिक है ये इसी से संबंधित है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 क्या है, इसका उपयोग क्यों होता है? देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको हम जो है वो असेंशियल कमोडिटीज़ कहते हैं। तो असेंशियल कमोडिटीज़ के एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं तो फ्यूल हो गया, दवाएं हो गई, ड्रग्स जिनको कहते हैं, या फूड आइटम्स हो गए। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये असेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं। तो अगर जो है वो इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे या मार्केट से अचानक गायब हो जाएगी तो वो समस्या का विषय हो जाता है, फिर लोगों को दिक्कत होने लगती है। अब ये सारी चीज़ें इतनी डिमांड में रहती हैं, इसलिए कुछ शरारती तत्व क्या करते हैं कि इनकी होर्डिंग करते हैं, इनका एक आर्टिफिशियल इनकी जो है वो दिखाते हैं कि मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। तो उससे क्या होता है कि उनके गोडाउन जो है वो इन मालों से भर जाते हैं, मार्केट से ये आइटम गायब हो जाते हैं, और फिर जब इनकी डिमांड बहुत ऊपर हो जाती है तो फिर ये ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य ये था कि इस तरह की चीज़ों की जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको सरकार कंट्रोल कर सके, ताकि इनकी ओवर प्राइसिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये चीज़ें रुक जाएं। तो अब जैसा कि आपने इस बीच देखा होगा, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के साथ यही हुआ कि वो इतने ज़रूरी हो गए, इतने उपयोगी हो गए सबके लिए कि सब लोग उसको ख़रीदने के लिए भागने लगे। और ऐसा देखते हुए कई शरारती तत्वों ने क्या किया कि इनको जो है वो अपने गोडाउनों में छुपा लिया, और उसके बाद अचानक से इनको ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। तो जिसके चलते जो है वो सरकार ने निर्णय लिया कि 2-ply और 3-ply के सर्जिकल मास्क, N95 मास्क जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, और हैंड सैनिटाइज़र, इन चीज़ों को सरकार ने असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत डाल दिया। अच्छा, इनकी एक टाइमलाइन भी डिसाइड की गई है, जून 30, 2020 तक ये सारे आइटम्स असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत रहेंगे। एक छोटा सा टर्म और है, एक्ट और है जिसके बारे में हमको जान लेना चाहिए, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या है? ये इस एक्ट के उपयोग के द्वारा स्टेट्स जो होते हैं वो इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी आइटम अपनी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा दाम पर ना बेचा जा सके। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है कि मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत लिया गया है। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या है ये हमने आपको बताया, असेंशियल कमोडिटीज़ क्या है ये हमने आपको बताया। इसमें और कुछ नहीं, लास्ट पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक नंबर भी सरकार ने प्रोवाइड किया, और एक जो है वो सरकार ने
वेबसाइट भी प्रोवाइड की जिस पे कि लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इन इन आइटम्स की कालाबाजारी हो रही है या इनको ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों जब कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से हर जगह बढ़ने लगा तो ऐसी जगहें जहां पर लोग नौकरी करने के लिए जाते थे या काम करने के लिए जाते थे, माइग्रेंट वर्कर्स जिनको कहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जिन जिन जगहों पे जाते थे जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, तो जब एक पैनिक की स्थिति हर जगह हो गई तो वो लोग हड़बड़ी में उन लोगों ने वहाँ के अपने घर छोड़े और वो अपने गांव वापस आना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो बीच में आपने देखा होगा कि दिल्ली में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हज़ारों लोगों की भीड़ लग गई थी और ये सारे लोग अपने घर जाना चाहते थे, पुलिस इनको रोक रही थी लेकिन ये मान नहीं रहे थे। उनमें से कईयों ने तो कई 100 किलोमीटर के सफ़र पैदल ही शुरू कर दिए थे। तो इसी दौरान एक एक खबर और आई थी, उसमें ये हुआ था कि कुछ लोगों के ऊपर जब वो अपने ज़िले की बाउंड्री पर पहुँचे, बॉर्डर पे पहुँचे, तो उनके ऊपर एक केमिकल का छिड़काव किया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और कहा गया कि इससे इनको डिसइन्फेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, इसी केमिकल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इस केमिकल का नाम था सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है और इसके साथ साथ इसको स्विमिंग पूल्स को सैनिटाइज करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। स्विमिंग पूल को सैनिटाइज हमने सुना होगा क्लोरीन से करते हैं, तो ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है ये क्लोरीन रिलीज करता है, इसलिए इसका उपयोग स्विमिंग पूल की सफाई के लिए किया जाता है। इस बीच कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई राज्यों में बड़े बड़े स्थानों को, बड़ी बड़ी जगहों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को डिसइन्फेक्ट करने के लिए इस सॉल्यूशन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया। अच्छा, इसके बारे में कुछ बेसिक हम जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्योंकि इससे क्लोरीन रिलीज होता है और क्लोरीन हमारी स्किन के लिए जो है वो हार्मफुल होता है, तो इसलिए ये इसका छिड़काव करना गलत था, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। इस टॉपिक में आखिरी के 3 पॉइंट देखिए, तो जो नॉर्मल हाउसहोल्ड ब्लीच होता है उसमें लगभग 2 से 10% तक हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है। 0.25 से 0.5% सॉल्यूशन का इस्तेमाल आपकी स्किन की, अगर कोई बीमारी आपको है या स्किन पे आपको कोई घाव हुआ है तो उसके इलाज के लिए किया जाता है, और हैंड सैनिटाइज़र में या हैंड वॉश में 0.5%, मात्र 0.05% इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। और ये मामला इतना विवादित क्यों रहा? क्योंकि जिस सॉल्यूशन का इस्तेमाल जनरली किया गया हर जगह उसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन था। इसका मतलब ये है कि जो सेफ लिमिट है, सुरक्षित लिमिट है, ये उससे कहीं ऊपर था, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो कोरोसिव सर्फेसेस या जहाँ पर जंग लगी हो ऐसे सर्फेसेस को या किसी भी गंदे सर्फेस को साफ़ करने के लिए किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो केमिकल है ये आपकी त्वचा के लिए नुकसानदायक होगा ही होगा। तो वैसा ही हुआ, और इसमें जो है वो इसके बाद कई लोगों ने शिकायत की कि उनकी आंखों में जलन हो रही है, उनकी स्किन पे जलन हो रही है, जिसके चलते इस मूव का बहुत विरोध हुआ था और इसलिए ये लगातार लगभग एक हफ्ते तक न्यूज़ में बना हुआ था। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही जानने का है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है, इसका उपयोग स्विमिंग पूल साफ़ करने के लिए और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके बारे में जो 3 बेसिक जानकारियाँ हमने ली कि वो कितने कंसंट्रेशन में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर वो, और हमने देखा कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया था माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर छिड़काव करने में। इस आर्टिकल में इतनी जानकारी है। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। अच्छा दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि एक थेरेपी का नाम बहुत सामने आ रहा था और माना जा रहा था कि कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इस थेरेपी का नाम था कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या? देखिए दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस या COVID-19 का संक्रमण है और फिर इलाज के दौरान धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में COVID-19 वायरस के लिए एक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में पाई जाती हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। तो जब ऐसा आदमी ठीक हो जाता है तो ये
यूएस एफडीए जो है वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने उसका मानना ये था और कई बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का मानना ये था कि ऐसे पेशेंट के ब्लड प्लाज्मा को अगर किसी बीमार पेशेंट के ब्लड में डाला जाएगा तो उसके ब्लड में भी इनके इस कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, जिसके चलते वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो ये इन थियोरी जो है ये एक बहुत बड़ा जो है वो रे ऑफ होप बन के हमारे सामने आया था। अच्छा, ये थेरेपी काम कैसे करती है ये मैंने आपको बता दिया। इसके पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेनिश फ्लू के दौरान इसका इस्तेमाल किया था 1918 के दौरान, हांगकांग ने सार्स महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल किया था, और H1N1 पेशेंट्स पर भी जो है वो कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, इसमें किया क्या जाता है, प्लाज्मा जो है वो ब्लड से निकालने के लिए जनरली एक मशीन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं अफेरेसिस मशीन। अफेरेसिस मशीन बड़ी आसानी से प्लाज्मा को ब्लड से बाहर निकाल देती है और उसके बाद इस प्लाज्मा को दूसरे के ब्लड में, किसी और इंसान के ब्लड में डाला जा सकता है। इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर किसी इंसान के ब्लड से प्लाज्मा निकालना है तो पहली बार प्लाज्मा निकाले जाने के बाद 12 हफ्ते बाद ही उसके बॉडी से दोबारा प्लाज्मा निकाला जा सकता है। इसमें फिर इश्यूज उठ के आए थे कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है। इंडिया में अफेरेसिस मशीन का इस्तेमाल होता है, इंडिया में भी जो है वो प्लाज्मा ब्लड से आसानी से निकाला जाता है और ये हर जगह होता है, हर शहर में होता है। किसी भी ब्लड बैंक पे आप चले जाएंगे तो वहाँ पर प्लाज्मा इजीली अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब है कि इंडिया में ये किया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए ये कितना इफेक्टिव है, इसका कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर अभी सफिशियंट रिसर्च नहीं हुई है। इसलिए ये जो थेरेपी है ये बहुत कामकाजी अभी नहीं है। तो इसके बारे में बस इतना ही जानना चाहिए हमको कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, एफेरेसिस मशीन क्या होती है, एफेरेसिस मशीन से प्लाज्मा अलग किया जाता है। बस इतना ही जानने का है। इसके आगे अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट 1897 बहुत चर्चा में रहा था। ये क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को ये एडवाइस किया था कि वो एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट का सेक्शन 2 अपनी अपने स्टेट्स या अपने यूनियन टेरिटरीज़ में लागू करें। देखिए, इस एक्ट का इस्तेमाल कई बार हुआ है स्वाइन फ्लू, डेंगू और कॉलरा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए। ये एक्ट होता क्या है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट 1897, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है वो 1890s में ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया था। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ब्यूबोनिक प्लेग जब हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए और इसके पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी चिन्हित करने के लिए और इसकी रोकथाम करने के लिए, इसके फैलाव की रोकथाम करने के लिए ये एक्ट जो है वो लागू किया था। इस एक्ट में क्या होता था, इस एक्ट में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पावर मिल जाती थी कि वो किसी का भी टेस्ट कर सकते हैं, किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं। और इसमें एक बात और थी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि किसी एक जगह पर, किसी एक स्थान पर इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है तो वो स्थान को तोड़ भी सकती है, उसको गिरा भी सकती है। इसी एक्ट के विरोध करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की जेल भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने केसरी और मराठा में एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था। अच्छा, बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे, बस इतना जान लेते हैं कि इसमें है क्या, इस एक्ट के प्रोविज़न में है क्या। इस एक्ट के प्रोविज़न में बस यही चीज़ें हैं जो हमने पहले देखी थी, कि लोगों के घर को, सस्पेक्टेड लोगों के घरों को सर्च करना, लोगों को आइसोलेट करना, लोगों की टेस्टिंग करना, इसकी पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को मिल जाती है। अच्छा, अब ये जान लीजिए कि ऐसा पहली बार एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट इंडिया में नहीं उपयोग हुआ है। अभी हाल ही में सन 2018 में वडोदरा में, वहाँ के एक गाँव में, उस गाँव का नाम था खेडकरमसिया। खेडकरमसिया में जो है वो लगभग 31 लोग कॉलरा से पीड़ित थे और ऐसा देखकर वहाँ के कलेक्टर ने उस जगह पर एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट
1897 इम्प्लीमेंट किया था, जिससे कि उसको जो जिन शक्तियों के बारे में हमने ऊपर बातें की वो शक्तियाँ मिल गई थी, और धीरे धीरे जाके ये डिजीज़ वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल भी हो गई थी। तो इसके बारे में बस इतना ही है, ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है इसलिए ये जानना ज़रूरी था। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस था उसकी उत्पत्ति चाइना के वुहान शहर से हुई थी। धीरे धीरे ये वायरस जो है वो दुनिया भर में फैल गया। चाइना ने वुहान में बहुत बड़े पैमाने पर इस पर कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन उसी बीच जब हमको कुछ पॉजिटिव लक्षण चाइना से दिखाई दे रहे थे, तभी हमको एक खबर न्यूज़ में ये भी मिली कि एक नया वायरस, हंता वायरस, जिससे कि एक इंसान की चाइना में डेथ हो गई थी। तो दुनिया भर में दोबारा एक पैनिक शुरू हो गया कि कोरोना वायरस के बाद कहीं हंता वायरस भी जो है वो उसी तरह से ना फैल जाए और दुनिया में महामारी का कारण बने। तो हंता वायरस क्या है? हंता वायरस जो है वो एक बीमारी है, एक वायरस है जो कि रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब चूहे, छुछंदर, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनसे फैलता है। तो अब हुआ क्या कि एक इंसान चाइना में, एक आदमी था, उसको हंता वायरस से उसकी डेथ हो गई। तो चाइना ने प्रिकॉशन के रूप में वो जिस बस में बैठा हुआ था उस बस के 30 या 35 लोगों को आइसोलेशन में रख दिया कि इन केस ये वायरस और आगे फैले तो उसका उसको कंट्रोल में लाया जा सके। अच्छा, इसके बारे में धीरे धीरे करके जब इस पर रिसर्च हुई, जब इसके बारे में लोगों ने, डॉक्टरों ने जानकारी दी, तो थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। इसमें बड़ी बात यह है कि जो हंता वायरस है वो एयरबोर्न नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है, अगर किसी आदमी को कोरोना वायरस संक्रमण है और वो छींक देता है या खांस देता है तो दूसरे को भी कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन हंता वायरस के साथ ऐसा नहीं है। हंता वायरस से संक्रमित होने के लिए आपको उस रोडेंट की यूरिन, उसकी फीसीज मतलब उसके मल, या उसके सलाइवा के कांटेक्ट में आना होगा। सलाइवा के कांटेक्ट में कैसे आएंगे आप? मान लीजिए किसी को चूहा काट लेता है तो आप उसके सलाइवा के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो आपको हंता वायरस हो सकता है। ये हवा से नहीं फैलता है, इसलिए जो है वो ये कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। इसमें, इसके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, थोड़ा सा डिटेल और ले लेते हैं। हंता वायरस से दो तरह की बीमारियाँ होती हैं जनरली। एक हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम होता है और एक होता है हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। जो पहला इसमें है वो नीचे वाले में आप सिम्टम्स वाले पोर्शन में देखेंगे, तो जो पहला है इसमें हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े बेसिक टाइप के हैं, जैसे थकान लगना, बुखार होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सर दर्द होना, इस तरह की चीज़ें। और जो दूसरा है हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, इसमें जैसे कि आप जानते हैं रीनल है, तो इसमें अल्टीमेटली आदमी की किडनी फेल हो सकती है और आदमी की मौत भी हो सकती है। अच्छा, इनका जो है वो पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन है वो बहुत कम है या बहुत रेयर है या नहीं ही है, तो इसलिए ये जो है वो बहुत चिंता का विषय अभी हमारे लिए नहीं है। और अच्छा, ये इतनी जानकारी हो गई, तो CDC ने हमको ये भी बताया कि इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है। इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है कि रोडेंट पॉपुलेशन जो है हम उसको कंट्रोल कर लें। तो अगर हम रोडेंट पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे तो हंता वायरस भी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ये रोडेंट पॉपुलेशन से ही फैल रहा है। अब इसमें इतना ही जानने लायक है, ये देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, हंता वायरस पर डिस्कशन के बाद कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मार्च के इशू में वो सारे ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद हम जो है वो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बीच में टॉपिक हमने छोड़ दिए थे कोरोना वायरस के डिस्कशन के चलते, अब हम वो भी कवर कर लेते हैं और जल्दी जल्दी बाकी पूरी मैगजीन भी या बाकी पूरे करंट अफेयर्स भी ख़त्म करते हैं। अच्छा देखिए, अभी बीच में हमने देखा हो, आपने देखा होगा कि 7 कांग्रेस के मेंबर्स को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था उनके खराब व्यवहार के चलते। तो ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं ब्रीफ में। देखिए, ऐसा है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि जो हाउस का बिजनेस है, जो सभा का बिजनेस है, वो कायदे से सुचारू रूप से बिना किसी डिस्टरबेंस के चल रहा है। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा इंश्योर करने के लिए स्पीकर को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें वो किसी भी मेंबर को उस दिन के कार्य से, उस दिन के लिए सभा से, या बाकी रिमेनिंग सेशन के लिए सभा से सस्पेंड कर सकता है।
तो इस संबंध में जो है वो तीन रूल मेन जो होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तीन रूल होते हैं। पहला होता है रूल नंबर 373, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 373 में क्या होता है, जो हमने पहले बात की थी कि अगर कोई भी मेंबर जो है वो हाउस में जानबूझकर डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, हाउस की प्रोसीडिंग्स में जो है वो समस्या खड़ी करता है, उसका कंडक्ट जो होता है वो डिसऑर्डरली होता है, या वो स्पीकर की बात नहीं मानता और स्पीकर को लगता है कि उसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, तो वो उस दिन के, उस बचे हुए दिन के लिए उस मेंबर को हाउस से बाहर निकाल सकता है, ठीक है। ये रूल नंबर 373 है जो जो कहता है कि उस दिन के लिए, बचे हुए दिन के लिए मेंबर को वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो बाकी के दो रूल्स हैं वो क्या हैं, रूल नंबर 374 और रूल नंबर 374A। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर 374 क्या कहता है। अच्छा, ये इसमें जो है वो जो सस्पेंशन वाला प्रोविज़न है वो 374 में है। इसमें क्या होता है कि कंडीशंस वही हैं कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी मेंबर अगर हाउस के कार्यों में, सभा के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको जो है वो स्पीकर ये निर्णय ले सकता है कि इसको जो है वो बाकी के जो सेशन बचा हुआ है उससे उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाए। और ऐसा अगर किसी मेंबर के साथ होता है, कोई भी मेंबर अगर इस रूल के अंतर्गत सस्पेंड किया जाता है, तो उसको तुरंत जो है वो हाउस के प्रमाइसेस को छोड़ना पड़ता है, वहाँ से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रूल नंबर 374A क्या कहता है। रूल नंबर 374A थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अंतर तो 374 से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है, वो देखते हैं आइए क्या है। रूल नंबर 374A, जिसको कि दिसंबर 5, 2001 में रूल बुक में डाला गया था, ये कहता है कि, अच्छा दोस्तों, आप लोग हाउस जो सभा होती है उसके वेल के बारे में जानते ही होंगे। वेल जो होता है वो स्पीकर और बाकी मेंबर्स के बीच का एरिया होता है जिसमें कि जाना मेंबर्स को अलाउड नहीं होता है। तो 374A कहता है कि अगर कोई मेंबर बार बार वेल में जाता है, बार बार हाउस में नारेबाजी करता है, उसके काम में बाधा डालता है, तो ऐसा वो जब कई बार करता है तो स्पीकर, उसका स्पीकर जो है वो एक निर्णय ले सकता है कि इनको हमको सस्पेंड करना है, या स्पीकर उनको नामित कर सकता है कि आप जो है वो बार बार ये कर रहे हैं, ये गलत है। और ऐसा होने पर वो मेंबर जो है वो 5 कंसेक्यूटिव सेटिंग्स के लिए, मतलब 5 अगली बैठकों के लिए हाउस से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर किसी सेशन में सिर्फ 3 ही सिटिंग बची हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 3 सिटिंग के लिए इस सेशन में सस्पेंड किया जाएगा और अगले सेशन की भी 2 सिटिंग के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इन दोनों केसेस में जो कम होता है उतने पीरियड के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो मतलब अगर कोई इंसान बार बार ऐसा, कोई मेंबर बार बार ऐसा करता है, तो वो ऑटोमेटिकली 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स के लिए सस्पेंड हो जाता है, या तो रिमेंडर ऑफ द टर्म, मतलब जितना सेशन बचा हुआ है उसके लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसमें भी वही होता है कि अगर किसी मेंबर को स्पीकर सस्पेंड करता है, तो उसको तुरंत ही जो है वो प्रिसिंट से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, अगर सस्पेंशन हो गया तो उसके बाद का क्या प्रोविज़न होता है। देखिए, मेंबर को सस्पेंड करने की पावर लोकसभा के स्पीकर के पास है, लेकिन उस सस्पेंशन को हटाने की पावर लोकसभा के स्पीकर के पास नहीं है। उसकी पावर जो है वो हाउस को दी गई है। अगर हाउस जो है वो चाहे तो वो एक मोशन पास करके ऐसे किसी भी सस्पेंडेड मेंबर का सस्पेंशन रिवोक कर सकता है। अच्छा, ये हम देख लेते हैं कि राज्यसभा में इससे संबंधित क्या प्रोविज़न है। राज्यसभा में ये प्रोविज़न है कि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा में, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, तो राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है उसको रूल नंबर 255 के अंतर्गत ये शक्ति दी गई है कि वो जो है वो किसी भी इंसान को उस दिन के काम के लिए हाउस से बाहर कर सकता है अगर वो हाउस के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जहाँ तक बाकी पूरे बचे हुए सेशन से सस्पेंशन की बात है, तो उसकी शक्ति यहाँ पर चेयरमैन के पास नहीं होती है। चेयरमैन के पास बस इतनी शक्ति होती है कि वो चिन्हित कर सकता है, वो नामित कर सकता है ऐसे मेंबर को जो कि हाउस के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, और उसके बाद अगर हाउस चाहे तो
वो एक मोशन पास करके ऐसे मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। तो लास्ट लाइन हम देखेंगे कि अनलाइक द स्पीकर हाउएवर द राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर, मतलब कि स्पीकर के पास तो ये शक्ति होती है सस्पेंड करने की, राज्यसभा चेयरमैन के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है, वहाँ पर ये शक्ति हाउस के पास होती है, राज्यसभा के पास होती है। और यही सेम चीज़ अप्लाई होती है उस सस्पेंशन के को रिवोक करने में, उस सस्पेंशन को हटाने में, उस सस्पेंशन को हटाने के लिए भी राज्यसभा एक मोशन पास करके उस मेंबर को वापस सभा में वापस बुला सकती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है नेशनल क्रेच स्कीम। अच्छा, क्रेच क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जगह जहाँ पर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को दिन भर के लिए रखा जाता है, जब उस दौरान उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप नौकरी पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, कहीं काम पर जाते हैं। तो जैसे कि कोई माँ बाप है, वो दोनों लोग नौकरी करते हैं, तो उनका बच्चा है, उस बच्चे की देखभाल करने के लिए घर पे और कोई नहीं है, तो बच्चे को वो क्रेच में ले जाके दे सकते हैं जहाँ पर केयर टेकर होते हैं, देखभाल करने वाले लोग होते हैं जो उस दिन के दौरान उस बच्चे की देखभाल करते हैं, फिर शाम को जब माँ बाप काम से लौटते हैं तो वो बच्चे को वापस ले जाते हैं। अच्छा, अब नेशनल नेशनल क्रेच स्कीम है क्या? नेशनल क्रेच स्कीम को इसके पहले राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम कहा जाता था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 2017 से ये चल रही है। इसका एज ग्रुप जहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो क्या है, 6 माह से 6 साल के बच्चे, जितने भी 6 माह से 6 साल के बच्चे हैं जिनकी माएँ नौकरी कर रही हैं या जिनके दोनों पेरेंट्स नौकरी कर रहे हैं, वो इस नेशनल क्रेच स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन जगहों पर, इन क्रेचेज में होता क्या है, यहाँ पे स्लीपिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब बच्चे यहाँ पर आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। यहाँ पर स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 3 और प्री स्कूल एजुकेशन फॉर 3 to 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्टिव लर्निंग उनके लिए, उनके ऊपर उपयोग की जाएगी, और 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं उनको प्री स्कूल एजुकेशन भी यहाँ पर दी जाएगी। इन क्रचेज़ में न्यूट्रिशन भी होता है, न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है। इन क्रचेज़ में ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, मतलब बच्चा कैसे बढ़ रहा है, बच्चे में कोई ग्रोथ डिफिशियंसी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। हेल्थ चेकअप होते हैं और इम्यूनाइजेशन पर भी ध्यान रखा जाता है। ये जो क्रेचेज हैं नेशनल क्रेच स्कीम के अंतर्गत, ये महीने में 26 दिन खुले रहते हैं और हर दिन 7.5 घंटे खुले रहते हैं। इसका मतलब ये है कि माँ बाप 7.5 घंटे के लिए दिन में अपने बच्चे को इन क्रेचेज में छोड़ सकते हैं। इन क्रेचेज के लिए लिमिट भी बनाई गई है, 25 बच्चे एक क्रेच में हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके साथ वहाँ पर एक वर्कर और एक हेल्पर भी होना चाहिए। मतलब कोई भी क्रेच है नेशनल क्रेच स्कीम के अंडर में, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 25 बच्चे हो सकते हैं, उन 25 बच्चों की देखभाल करने के लिए एक वर्कर होगा और एक हेल्पर भी होता है। ये स्कीम जो है, इसके चार्जेस क्या हैं, बीपीएल फैमिलीज़ के लिए ये स्कीम जो है वो 20 रुपये प्रति माह पर है। कोई फैमिली है जिसके दोनों पेरेंट्स कमा रहे हैं तो वहाँ पर 12,000 रुपये पर मंथ लगता है और 100 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ। और कोई फैमिली है वो, ये चीज़ें रिपीट ही हो गई हैं तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें यही है कि क्रेच में बच्चे, क्रेच में माँ बाप अपने बच्चों को 7.5 घंटे के लिए दिन में, महीने में 26 दिन छोड़ सकते हैं, जहाँ पर उनको उनकी देखभाल की जाएगी, उनके आराम करने की व्यवस्था होगी, बेसिक एजुकेशन का ध्यान रखा जाएगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, हेल्थ चेकअप होंगे, इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसी सुविधा, ऐसी स्कीम से लोगों का, खासकर गरीब लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है, जो कि किसी जिनके पास की उनके बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, और वो बेबी सिटर, बेबी सिटर का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो कि बच्चे की देखभाल करने की नौकरी करता है, तो ऐसे लोग जो कि बेबी सिटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, बेबी सिटर को पैसा देने के लिए उनके पास जो है वो पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप किसी फ्लाइट में सफ़र करते हैं, किसी विमान में सफ़र करते हैं,
तो आपको वहाँ पे मोबाइल चलाने की सुविधा नहीं होती, आपका आपको अपना मोबाइल ऑफ़ या एरोप्लेन मोड पर डालना पड़ता है। तो अब इंसान को अगर वहाँ पर प्लेन में बैठे हुए इंटरनेट चलाने की ज़रूरत महसूस हो, तो अब धीरे धीरे उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। टेक्नोलॉजी क्या डेवलप हो रही है? इन फ्लाइट वाईफाई। इन फ्लाइट वाईफाई क्या होता है? फ़्लाइट के दौरान आपको वाईफाई फैसिलिटी दी जाती है, जिससे कि आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं, अपना मोबाइल चला सकते हैं और लैपटॉप चला सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। होता क्या है कि दो तरीके से आपको फ़्लाइट में इंटरनेट फैसिलिटी दी जाती है। आपकी जो फ़्लाइट होती है उसमें एक मॉडम होता है, राउटर एक होता है। तो जब तक आपकी फ़्लाइट 3,000 मीटर की हाइट से कम में रहती है, तब तक क्या होता है कि जो ग्राउंड पर सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके जो टावर्स हैं, मोबाइल टावर हो गए, वाईफाई टावर हो गए, उनके सिग्नल से वो राउटर में उस मॉडम में सिग्नल आता है, जिसके थ्रू आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप में सिग्नल आता है, वाईफाई यूज़ कर लेते हैं। और जैसे ही आपका प्लेन 3,000 मीटर के ऊपर जाता है, तो वो तुरंत वो मॉडम जो होता है वो सेटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। तो सेटेलाइट के माध्यम से आपको वहाँ पर सुविधा मिलने लगती है। अच्छा, ये जो सुविधा होती है ये चार्जेबल होती है, ऐसा नहीं है कि ये फ्री में आपको सुविधा मिलती है। तो जैसे ही आप जो है वो आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है, वैसे ही जो है वो इसके चार्जेस भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? जैसे ही आपके फ़ोन में फ़्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, तो जो प्लेन का एंटीना होता है वो नीचे ज़मीन पर जो टेरेस्ट्रियल मोबाइल सिग्नल, मोबाइल टावर्स हैं, वाईफाई टावर्स हैं, उनसे सिग्नल खींचना शुरू कर देता है। और उसके बाद जब आपकी 3 से 4 मिनट बाद आपकी फ़्लाइट 3,000 मीटर के ऊपर चली जाती है, तो सेटेलाइट कनेक्ट होकर आपको वहाँ से इंटरनेट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ऐसी जानकारी नहीं, बस यही था कि दो तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। शुरुआती समय में, शुरू से 4 से 5 मिनट के बीच में आप ग्राउंड से सिग्नल लेते हैं, उसके बाद आप सेटेलाइट से सिग्नल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो वायरलेस वाईफाई कनेक्टिविटी है वो बनी रहती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही है। आइए अब देखते हैं अगला क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात थे वो कुछ बिगड़े, और आगे उनको ना बिगड़ने उनको बिगड़ने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिनमें वहाँ के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया और इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी, ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाएँ, कांटेक्ट ना कर पाएँ, उससे जो है वो किसी भी तरह का बड़ा डिस्टरबेंस होने से रोका जा सकता है। अच्छा, अभी बीच में रिसेंटली क्या हुआ कि 7 महीने बाद लगभग वहाँ पर इंटरनेट सुविधाएं बहाल की गई। अच्छा, इंटरनेट सुविधाएं बहाल की गई तो उसी दौरान एक टर्म सामने आया, मैक बाइंडिंग का। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है, ये होता क्या है। तो मैक पहले जानते हैं, MAC मैक क्या होता है? मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। तो कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी मोबाइल है, कोई भी लैपटॉप है, हर हर ऐसे डिवाइस का एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। ठीक है, और जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि हर एक इंटरनेट कनेक्शन का एक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, जिससे कि हम इंटरनेट को हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो नेट कहाँ से कनेक्ट हुआ था, और मैक से हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो डिवाइस कौन सा था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोविज़न ये किया कि मैक बाइंडिंग उन्होंने शुरू कर दी। तो मैक बाइंडिंग का क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस और IP एड्रेस दोनों को बाइंड करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमको पता लगेगा कि इंटरनेट कनेक्शन कहाँ पर है और कौन से डिवाइस पर है। तो इससे हमको ट्रेस करने में आसानी होगी कि कोई पर्टिकुलर चीज़ इंटरनेट पे कहाँ से डाली जा रही है। इससे जनरली होता यह है कि कई लोग जो है वो ऐसे ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे ऐसे मैसेज करते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं, जिनसे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, और उसके बाद उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। हम IP एड्रेस तो ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन फिर हमको बहुत समस्याएं, पुलिस को बहुत समस्याएं होती हैं उनको पकड़ने में। तो अगर मैक बाइंडिंग हो जाएगी, मतलब एक IP एड्रेस को एक डिवाइस से जोड़ दिया जाएगा, तो उसको ट्रेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो ऐसा करना शुरू हो गया है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेट वहाँ पर जो है वो शुरू किया गया, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस और भी लगाए गए। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि
2G सिर्फ वहाँ पर परमिट किया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा हम लोग जैसे कि जो कि जम्मू से बाहर रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, किसी भी स्टेट में, तो हम लोग 4G कनेक्शन इस समय यूज़ कर रहे हैं, 4G इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और ये इंटरनेट हम लोग पोस्ट पेड प्रीपेड दोनों नंबरों पे यूज़ कर पाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसी तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, किसी भी तरह के डिस्टरबेंस को रोकने के लिए वहाँ पे जो कनेक्शन है उसको 2G तक लिमिट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 2G कनेक्शन होने से क्या होगा कि पिक्चरें बहुत धीमे लोड होंगी, मतलब फ़ोटोज़ जो होती हैं, वीडियो बहुत धीरे लोड होंगे, और इससे जो है वो जो डिस्टर्बिंग मटेरियल का जो प्रसार है वो बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रोल हो जाता है। तो वहाँ पे जो है वो 2G कनेक्शन दिया गया है। एक और कदम उठाया गया है, वो कदम क्या है कि इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ पोस्ट पेड डिवाइसेस पे है। अच्छा, पोस्ट पेड के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि महीने के अंत में पोस्ट पेड मोबाइल का, पोस्ट पेड लैंडलाइन का बिल आता है। तो पोस्ट पेड कनेक्शन अगर कोई लेता है तो उसके पहले एक बहुत सघन प्रक्रिया होती है जो जिसमें कि उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, एक एजेंट आके उसके घर पे उससे मिलता है, एड्रेस वेरीफाई करता है, तो ये सारी प्रोसीजर फॉलो किया जाते हैं। प्रीपेड कनेक्शन में ये दिक्कत होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है एड्रेस वेरिफिकेशन और इन सब चीज़ों में, क्योंकि आदमी एक आईडी प्रूफ लेके जाता है, दुकान पे देता है तो उसको वो सिम मिल जाता है। खैर, अब तो बायोमेट्रिक वगैरह से चीज़ें बहुत सुधर गई हैं, लेकिन पहले की पोजिशन ये थी। तो इसके चलते वहाँ पर क्या प्रोविज़न किया गया है कि किसी भी प्रीपेड कनेक्शन को तब तक इंटरनेट यूज़ करने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो प्रॉपर चैनल से सिम नहीं लेता है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जमा करके सिम नहीं लेता है, और पोस्ट पेड जिसमें कि ऑलरेडी ये सब किया जा चुका होता है तो पोस्ट पेड पे इंटरनेट चल जाता है। तो ये हमने इसमें मेन चीज़ें क्या हैं, एक बार रिवाइज़ करते हैं। पहली चीज़ तो है मैक बाइंडिंग, मतलब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को बाइंड कर देते हैं जिससे कि हम ट्रेस कर सकते हैं कि कोई अपडेट कहाँ से, कोई इंटरनेट यूज़ कहाँ से, किस डिवाइस से हो रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2G परमिट किया गया है जिससे इंटरनेट की स्पीड कम रहेगी, तो लोग जो है वो बहुत आसानी से पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जिससे कि डिस्टर्बिंग सामग्री जो होती है उसके प्रसार को रोक मिलेगी। तीसरा, जो वहाँ पर जो है वो रोक लगाई गई है वो है कि प्रीपेड कनेक्शन पे इंटरनेट नहीं चल सकता है क्योंकि उस कनेक्शन को लेते समय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो बहुत कड़ाई से उसकी प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है वो इतना ही है। आइए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप कई कईयों ने आप में से एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कोई किसी का भी एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि खून रोकना। किसी इंसान को चोट लग गई तो उसको खून रोकना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसी दिशा में जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक स्टार्च बेस्ड जो है वो हीमोस्टैट तैयार किया, हीमोस्टैट मटेरियल तैयार किया है। तो ये हीमोस्टैट मटेरियल करता क्या है, ये हीमोस्टैट मटेरियल जो है वो जो नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में उनको जो है वो जहाँ पर घाव होता है उस जगह पे कंसंट्रेट करता है जिससे कि ब्लड रैपिड ब्लड लॉस जो है रुक जाता है। हीमोस्टैट होता क्या है इसमें देखिए, ये जो आर्टिकल है इसमें टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमको उतना टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत बेसिक जान लेते हैं कि क्या है। हमको बस ये जानना है कि हीमोस्टैट क्या होता है। हीमोस्टैट देखिए, कोई भी ऐसा मटेरियल होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि ब्लड लॉस या ब्लड फ्लो, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो ब्लड फ्लो रोकने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको जो है वो हीमोस्टैट कहते हैं। हीमोस्टैट ब्लड फ्लो रोकने के लिए करता क्या है, वो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर देता है, ब्लड वेसल्स को दबा देता है जिससे क्या होता है कि खून आगे नहीं बहता है। तो यहाँ पर जो स्टार्च बेस्ड हीमोस्टैट है ये ब्लड वेसल्स को दबा नहीं रहा है बल्कि ये कर क्या रहा है कि ब्लड जहाँ पे घाव हुआ है उसके चारों तरफ जो नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं को कंसंट्रेट कर दे रहा है। तो उससे होता क्या है कि ये जो है वो ब्लड लॉस रैपिडली तुरंत रुक जाता है। तो इससे क्या होता है कि किसी आदमी को अगर चोट लगी है, खून बह रहा है और उसको आपने ये हीमोस्टैट दे दिया और उसका ब्लड लॉस रुक गया तो उसके जो है वो रिकवर करने के, उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसके पास टाइम मिल जाता है कि उसको अब आराम से हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। तो इसमें बेसिकली बस यही चीज़ है, टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन टेक्निकल चीज़ें हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इसी कड़ी में अगला टॉपिक क्या है।
दोस्तों आप लोगों ने गुयाना का नाम सुना होगा। ये एक साउथ अमेरिकन नेशन है जो कि ब्रिटिश कॉलोनी था, और ये एग्ज़ाम में हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गुयाना की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें इंडो गुयानीज़ लोग भी हैं, जिनमें कि इंडिया से ले जाए गए लेबर्स हैं जो कि कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स द्वारा वहाँ पर ले जाए गए थे माइनिंग और इस तरह के और छोटे काम करने के लिए। तो अब देखिए, अभी बीच में इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि बीच में क्या हुआ कि 2015 के अराउंड, ये आप इसमें पॉइंट देखेंगे, तो 2015 में एक्सॉन मोबिल नाम की एक कंपनी ने गुयाना में जो है वो बहुत बड़ा ऑयल रिज़र्व ऑयल डिपॉजिट ढूंढा, और इसका जो टोटल अमाउंट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 8 मिलियन बैरल्स। 8 मिलियन बैरल्स ऑयल जो है वहाँ पर इस कंपनी ने ढूंढा। तो इसका जो है नीचे देखिए तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है इसका वो 168 बिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है, जो कि गुयाना की इस समय की जो एनुअल बजट है उसका 120 गुना है, ठीक है। और गुयाना की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए ये जो पैसा है ये गुयाना के लिए सही मायने में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट होने जा रहा है। तो अब जहाँ पर इतना पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पर इस तरह के ऑयल रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कुछ समस्याएं भी खड़ी होंगी। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो गुयाना का इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय दिया जिसमें कि उसने कहा कि जो इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं वहाँ के, डेविड ग्रैंगर को गुयाना के इलेक्शन कमीशन ने फिर से विजेता घोषित कर दिया बिना इलेक्शन के। उन्होंने कहा कि जो है वो डेविड ग्रैंगर फिर से हमारे डिफेक्टो लीडर हैं, हमारे फिर से जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इसके चलते जो वहाँ की मेन ओपोजिशन पार्टी थी, उस ओपोजिशन पार्टी ने वहाँ पर विरोध शुरू कर दिया, और अब सिचुएशन ये हो गई है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर रॉयट्स हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से गुयाना जो है वो वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए जो है वो दुनिया में कई देशों में और कैरिबियन कंट्रीज़ के मतलब कई बड़े बड़े नेता गुयाना में गए थे हाल ही में, और वहाँ पर वो लोग जो है वो वहाँ का जो इलेक्शन क्राइसिस हुई है, डेमोक्रेटिक क्राइसिस हुई है, उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा ऑयल रिज़र्व वहाँ फिर डेवलप हुआ है, तो वहाँ पर वायलेंस होना जो है वो, अगर वायलेंस हो जाता है तो बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी हमारे लिए, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जहाँ पर भी ऐसा हुआ है, जहाँ पर भी इस तरह के रिज़र्व आए हैं, वहाँ पर कई इंटरेस्टेड पार्टीज़ खड़ी हो गई हैं, उन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं एक दूसरे का विरोध करने के लिए, क्योंकि इतना पैसा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस न्यूज़ के बारे में इतना ही, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वहाँ की बड़ी पॉपुलेशन जो है वहाँ पर इंडियन लेबर्स भी हैं जो कि कॉलोनियल एरा में वहाँ पे ले जाए गए थे। तो इस टॉपिक में यही है, आइए देखते हैं आगे क्या है। आइए अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अभी रिसेंटली जो है वो 2020 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो एनुअल पब्लिकेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो निकालता है हर साल। तो इसमें क्या हुआ कि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई, और इसमें जो है वो लगातार तीसरे साल भी फिनलैंड जो है वो दुनिया की सबसे सबसे खुश सबसे हैप्पी कंट्री बन के उभरा है, ठीक है। और सबसे ख़राब कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, सबसे ख़राब पोजीशन इस बार जो है वो अफ़गानिस्तान की है, उसके बाद जिम्बाब्वे, साउथ सूडान, ये सब देश हैं। तो यहाँ पर समस्याएं क्या हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आतंकवाद है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा वायलेंस, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इन सब के चलते ये जो है वो दुनिया के सबसे अनहैप्पी देशों में से हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाने के लिए इस रिपोर्ट को बनाने वालों ने 153 कंट्रीज़ के लोगों से इंटरव्यू किए, और उनसे जो है वो कई सवाल पूछे जिनका बेसिस जो है वो जीडीपी, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम और लेवल ऑफ करप्शन था। मतलब इन इश्यूज से रिलेटेड सवाल पूछे, और उनके जवाबों के हिसाब से उन लोगों ने ये लिस्ट तैयार की, जिसमें कि फिनलैंड जो है वो सबसे ऊपर आया, उसके बाद डेनमार्क, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर आइसलैंड, फिर नॉर्वे, फिर नैदरलैंड, इस तरह से आए। लग्जमबर्ग जो है वो इस बार पहली बार टॉप 10 पोजीशन पे आया है, 10वें नंबर पे आया है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हम देख लेते हैं, कनाडा की 11th रैंक है, ऑस्ट्रेलिया की 12th है, यूके की 13th है, और यूएसए की 18वीं रैंक है। नीचे देखते हैं तो इंडिया की 144th रैंकिंग है। 144th रैंक जो है वो इंडिया की अपने पड़ोसियों में सबसे ख़राब है। नेपाल की इसमें जो है वो जैसे लिखा हुआ है 15वीं रैंक है, पाकिस्तान की 29वीं रैंक है,
बांग्लादेश की 107वीं रैंक है और श्रीलंका की 130वीं रैंक है। तो ये इतना हो गया। इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है वो ये है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रिपोर्ट में सिटीज़ को भी जो है वो इंक्लूड किया गया है कि दुनिया की सबसे सबसे खुशहाल सिटीज़ कौन है, और सबसे ज़्यादा खुशहाल टॉप 10 सिटीज़ में सबसे ऊपर जो है वो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। तो हेलसिंकी जो है वो वर्ल्ड की हैप्पीस्ट सिटी है इस समय 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से, और अफगानिस्तान सबसे दुखी है, इंडिया की रैंकिंग 144 है। तो आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई बार इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर काम की कमी होती है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनियाँ हैं, वहाँ पर क्या होता है कि उनके पास इतनी डिमांड नहीं होती है कि वो अपनी पूरी वर्क फोर्स को इन्वॉल्व कर सकें, एंगेज करके रख सकें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कई लोगों को नौकरी से निकाला जाता है। उससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ता है उसमें। तो ऐसे कई देश हैं जिन्होंने ऐसी स्कीम्स निकाली हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनमें कि ऐसे मुश्किल समय के दौरान जो वर्कर्स हैं उनको कंपनसेट किया जा सके, उनको उनकी आमदनी का कुछ पोर्शन, उनकी तनख्वाह का कुछ पोर्शन जो है वो दे दिया जाता है। उससे क्या होता है कि कंपनी को उनको नौकरी से निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनका जो है वो काम चलाने भर का उनको पैसा भी मिल जाता है। हाल ही में एक स्कीम जो है वो जर्मनी ने निकाली थी जिसका नाम है कुर्जार बीट स्कीम। तो कुर्जार बीट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन तब भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सिचुएशन इस समय जो चल रही है कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बहुत सारी कंपनियां जो हैं, बहुत सारी क्या, लगभग इस समय तो देश में सारी कंपनियां ही बंद हैं, धीरे धीरे खुलेंगी भी। तो उसमें अभी जो है क्या हुआ कि जो माइग्रेंट क्राइसिस हुई, माइग्रेंट क्राइसिस का रीज़न ही ये था कि जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई, तो लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास खाने का नहीं था, तो लोगों ने सोचा कि घर चलते हैं। तो उसी वजह से माइग्रेंट क्राइसिस इतनी बड़ी इंडिया में हो गई थी। तो इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो कुर्जार बीट जो है वो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शॉर्ट वर्क। तो शॉर्ट वर्क मतलब होता है छोटे समय के लिए जो है वो काम। तो ये एक अलाउंस है जिसको जो है वो कुर्जार बीट गेल्ड कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो पार्शली जो है वो कंपनसेट करता है किसी इंसान की खोई हुई आमदनी को, ठीक है। अब मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया कि जो है वो जैसे किसी भी जगह इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, वहाँ पे लोगों के पास काम नहीं है, या वहाँ लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन कंपनी के पास ही काम नहीं है, तो कंपनी क्या करती है कि उनको उनकी तनख्वाह का एक छोटा पोर्शन जो है वो दे देती है जिससे उनका काम चलता है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं स्कीम में, बस यही चीज़ है। और इसमें ज़रूरी चीज़ जो है वो हम देखेंगे कि आखिरी वाला पॉइंट जो हम देखते हैं क्वांटम ऑफ पेमेंट के अंडर में। तो इसमें पेमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये लिखा हुआ है कि पेमेंट अंडर कुर्जार बीट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट लॉस ऑफ अर्निंग, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनरली जो है वो वर्कर को 60% जो है उसका जो वेज होता है, नेट वेज होता है, वो मिलता है। लेकिन अगर उस वर्कर के परिवार में कोई एक छोटा बच्चा है तो उसको जो है वो इसकी इनकम का 67% मिलता है, 67 फ्लैट रेट नेट वेज, ठीक है। तो इसमें जानने के लिए बस यही है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के समय वर्कर कंपनसेशन के लिए पार्शल जो है वो उसको सैलरी उसकी दी जाती है। उससे ये होता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ता है, कंपनियों के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव भी नहीं पड़ता, और वर्कर्स के पास जो है वो काम चलाने भर का पैसा भी हो जाता है। आइए देखते हैं आगे अगला टॉपिक क्या है। हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जो है वो जारी हुई। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो है वो एक एनुअल सर्वे, ईयरली सर्वे है जो कि फ्रीडम हाउस, ये एक यूएस में आधारित एनजीओ है, तो फ्रीडम हाउस जो है वो हर साल कंडक्ट करता है। ये जो है वो किसी भी देश की, किसी भी डेमोक्रेसी की सिविल लिबर्टीज़ और पॉलिटिकल राइट्स के आधार पर उनको रैंक करता है, ठीक है। ये इसमें जो है वो 1 से 7 तक का स्कोर होता है जिसमें कि 1 का मतलब होता है मोस्ट फ्री, मतलब सबसे ज़्यादा आज़ाद, और 7 स्कोर का मतलब होता है लीस्ट फ्री, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदिशें होती हैं। ये 3 भागों में देशों को बांटता है, या तो कोई देश फ्री होता है,
या तो पार्शियली फ्री होता है या नॉट फ्री होता है, ठीक है। ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है किसी भी कंट्री को, किसी भी डेमोक्रेसी को जज करने के लिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार 2020 की रिपोर्ट में इंडिया की इस रैंक में, इस रिपोर्ट में पोजीशन 83 है, जो कि बहुत ही ख़राब है। 83 पोजीशन पर इंडिया तिमोर लेस्ते और सेनेगल के साथ है। इंडिया को जो है वो इस इंडिया के नीचे या इन देशों के नीचे सिर्फ ट्यूनिशिया ही है जिसको इनसे भी ख़राब स्कोर मिला हुआ है, ठीक है। और हालांकि ये कंट्रीज़ और इंडिया 83rd पोजीशन पर फ्री कंट्रीज़ में से हैं, लेकिन फ्री कंट्रीज़ में सबसे निचले पायदान पर ये सारी कंट्रीज़ पाई गई हैं, इंडिया, तिमोर लेस्ते, सेनेगल वगैरह। इंडिया का जो स्कोर है, ये देखते हैं कि उसके गिरने का कारण क्या है। आप लोग सभी समझ सकते हैं कि कश्मीर में अभी जो 370 आर्टिकल 370 का इशू हुआ, वहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद जो है वो NRC का इशू आया था, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इशू आया था। उसके बाद इन चीज़ों से संबंधित जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, उनको दबाया गया किस तरह से, उनको उनका किस तरह से उनको रोका गया, और कहा जा रहा है कि लोगों की आवाज़ें दबा दी गई। तो ये सब सारे कारण थे जो कि रिपोर्ट में बताए गए हैं कि इंडिया की इतनी ख़राब पोजीशन की वजह से हुए थे। दूसरी चीज़, अभी हमने कश्मीर में बात की कि 7 महीने का इंटरनेट ब्लैकआउट था। हमने अभी एक इसके पहले टॉपिक किया था मैक बाइंडिंग वाला, तो मैक बाइंडिंग वाले में हमने देखा था कि कश्मीर में कैसे 7 महीने का इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ था और अभी भी वहाँ पे किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में अभी तक का सबसे बड़ा शटडाउन था इंटरनेट का, जो आज तक अभी देखा गया था। फिर रिपोर्ट ने ये भी कहा कि भारत में जो है वो जर्नलिस्ट, एकेडमिशियंस और इस तरह के जो थिंकर्स हैं, उनको दबाया जाता है, उनको धमकी मिलती है, वो उनके लिए जगह सेफ नहीं है। इंडिया की स्कोर की बात करें तो इंडिया को जो है वो पॉलिटिकल राइट्स कैटेगरी में 34 पॉइंट्स मिले 40 में, और सिविल लिबर्टीज़ की कैटेगरी में 60 में 37 पॉइंट्स मिले। तो इसकी वजह से इंडिया का टोटल स्कोर जो है वो 71 हो गया। पिछली बार ये स्कोर जो है वो 75 था। अच्छा, एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट और ये है कि इस रिपोर्ट ने कश्मीर को एक सेपरेट टेरिटरी की तरह ट्रीट किया है, और कश्मीर में जो है वो जो स्कोर है वो 28 है, और ये स्कोर जो है ये दर्शाता है कि कश्मीर पार्शियली फ्री से नॉट फ्री के बीच में कहीं पर पड़ता है। तो इसलिए ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट जब आती हैं तो उनका उपयोग जो है वो दुनिया भर में मीडिया हाउसेस, दुनिया भर में कंट्रीज़ जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी को जज करने के लिए करती हैं। और इंडिया की 83rd पोजीशन एक जो है वो अच्छा संकेत इंडिया के बारे में दुनिया में नहीं देती हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। दोस्तों, आप सबने आईबेक्स का नाम सुना होगा, हिमालयन आईबेक्स और साइबेरियन आईबेक्स। तो अभी रिसेंटली जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये प्रूव किया, ये साबित किया कि हिमालयन आईबेक्स, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, वो साइबेरियन आईबेक्स से एक अलग प्रजाति है। आईबेक्स होता क्या है? आईबेक्स जो है वो एक जंगली बकरा होता है। तो आप उसको अगर कभी देखेंगे तो उसकी लंबी सी सींग, लंबी सी और पीछे की तरफ मुड़ी हुई उसकी सींग होती है, और वो जो है वो जंगली बकरा होता है। तो वो कहाँ पाया जाता है? वो जो है वो माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है, और माउंटेन की फुटहिल्स में पाया जाता है, और ऐसी जगहों पर वो जो है पाया जाता है, और मंगोलिया में और रशिया में और ट्रांस एटलांट वो ट्रांस अल्टाई गोबी डेजर्ट वाले रीजन में ये जो है वो पाया जाता है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो है वो ये इंडिया में, कजाकिस्तान में, तजिकिस्तान में, मंगोलिया, पाकिस्तान, साइबेरिया, चाइना में पाया जाता है। और इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में ये मिलता है। तो इस आर्टिकल में जानने लायक बस इतना है कि आईबेक्स होता क्या है। आईबेक्स एक जो है वो वाइल्ड गोट की प्रजाति है, और आईबेक्स जो है वो अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की थी जिससे उन्होंने प्रूव किया है कि हिमालयन आईबेक्स और साइबेरियन आईबेक्स दोनों अलग अलग प्रजातियाँ हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, कर्नाटका में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है क्यासनूर फॉरेस्ट। तो 1957 में क्यासनूर फॉरेस्ट में एक डिजीज़ जो है वो पकड़ी गई थी, मिली थी पहली बार, जिसको
KFD कहा जाता है या कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ कहा जाता है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बॉनेट मकाक, ये एक तरह के बंदर होते हैं, तो बॉनेट मकाक की बड़ी पॉपुलेशन जो है वो थिसूर एरिया में इससे अफेक्टेड है और लगभग 11 जानवरों की इससे मौत हो चुकी है। तो कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये हार्ड टिक्स जो है वो दोस्तों एक छोटे क्रीचर्स होते हैं। अगर आपने कुत्ते कभी पाले हों या कुत्ते आपने देखे हों, तो उसमें कुत्तों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो है वो कीड़े लगे रहते हैं उनकी बॉडी पे, और उनको खींचिए तो वो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बहुत कस के उन्होंने पकड़ा रहता है। तो उसी तरह के जानवरों को जो है वो टिक कहा जाता है। तो जो टिक होते हैं वही जो है वो इस वायरस के KFD मतलब कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ के वायरस के जो है वो कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे कोई भी जानवर हो गया, जैसे मंकीज हो गए या रोडेंट्स, रोडेंट्स हमने जैसे भी पढ़ा था, रोडेंट्स मतलब चूहे या चुचुंदर, इस तरह के जानवर होते हैं जिनसे हंता वायरस फैलता है, उस तरह के जानवर, तो रोडेंट्स और मंकीज वगैरह, तो उनको जब ये इन्फेक्टेड टिक जो होते हैं वो काट लेते हैं तो उनके अंदर जो है वो KFD कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ हो जाती है। अच्छा, कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ जो है वो एपिजूटिक है और इसकी जो है वो फेटेलिटी लेवल मतलब इससे जो है वो मौतें बहुत ज़्यादा होती हैं प्राइमेट्स में, मतलब बंदर और इस प्रजाति के और प्राणियों में। एपिजूटिक का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए, यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है एपिजूटिक्स। तो दोस्तों हमने अभी बीच में जो है वो जब हम कोरोना वायरस पढ़ रहे थे तो हमने एक टॉपिक देखा था जो था कि पैंडेमिक एपिडेमिक ये चीज़ें थी और वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन वगैरह देखी थी। तो जो एपिडेमिक टर्म होता है, एपिडेमिक को अगर हम नॉन ह्यूमन सेंस में लें, मतलब कि अगर कोई बीमारी लोकलाइज्ड एरिया में इंसानों में होती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं, और अगर कोई बीमारी लोकलाइज्ड एरिया में जानवरों में होती है तो उसको हम एपिजूटिक कहते हैं। तो KFD जो है वो एपिजूटिक डिजीज़ है, मतलब इसकी जो है वो ये बड़े पैमाने पर फैलती है। और इससे होता क्या है, इससे जो है वो येलो फीवर और डेंगू फीवर होता है। अच्छा, अगर अब बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो हमने देखा कि जानवरों में जो है टिक्स के काटने से फैलता है। इंसानों में क्या ये डिजीज़ हो सकती है? हाँ, हो सकती है। वो कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि ये किसी टिक ने जो है वो एक बंदर को काट लिया, और जैसे आप बोनेट मकाक को मान लीजिए काट लिया, बोनेट मकाक को जो है वो कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ हो गई। अब उस बोनेट मकाक ने आके किसी इंसान को काट लिया तो वो वायरस जो है वो उस इंसान की ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और वो जो है डिजीज़ उसको भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो अभी तक इसका देखने और सुनने में नहीं आया है। इसके सिम्टम्स की बात कर लें तो सिम्टम इसके वही हैं कि बुखार होता है, सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है, तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। तो कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ के बारे में इतनी ही जो है वो जानकारी ज़रूरी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट हुई जिसमें कि गंगोत्री ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन जो है वो गर्मियों के मौसम में लगभग 400 गुना बढ़ गई। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था जंगलों में जो वहाँ आग लगती है वो स्टबल बर्निंग, जो कि अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था हरियाणा और पंजाब में, जो स्टबल बर्निंग होती थी, कहा जा रहा था कि इसी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा ये हो गया, तो लगभग 400 गुना जो है वो ब्लैक कार्बन बढ़ गया था। अब ये न्यूज़ हो गई, अब जान लेते हैं ब्लैक कार्बन क्या होता है। आप सबको पता होगा, ये आखिरी टॉपिक इसमें जो आखिरी पॉइंट है, ब्लैक कार्बन जो है वो एक जो है वो सब्सटेंस है जो कि इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और बायोमास से जलता है, से बनता है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो पोटेंसी होती है वो लाइट और लाइट अब्जॉर्ब करने की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है कहा जाता है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज आफ्टर CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है ये क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूटर है। लेकिन एक अंतर दोनों में यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय के लिए रहता है, कई सालों के लिए रहता है, ब्लैक कार्बन जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है,
और जो है वो एटमॉस्फेयर में कुछ ही दिन या कुछ हफ्तों के लिए रहता है। अच्छा, इसमें फिर भारत की ब्लैक कार्बन एमिशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक कार्बन का एमिटर है, और ये माना जा रहा है कि जो हमारा ब्लैक कार्बन का एमिशन है वो आने वाले दशकों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, ब्लैक कार्बन जो है वो सोलर एनर्जी और वार्म्थ जो है वो एटमॉस्फेयर से ग्रहण कर लेता है। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि जो अर्थ का एल्बिडो है, मतलब कि जो सूरज की रोशनी आती है वो अर्थ उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो वो कम होती है इससे। इससे जो है वो क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेशन के साथ ये जो है वो वापस अर्थ पे आ जाता है, कार्बन, ब्लैक कार्बन। तो इससे क्या होता है कि स्नो का जो सरफेस होता है वो काला हो जाता है। तो स्नो का सरफेस काला हो जाता है, उससे क्या होता है कि स्नो ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करती है, जिससे वो गर्म होती है और उसके बाद वो स्नो मेल्ट हो जाती है। तो इस आर्टिकल में जानने के लिए बस इतना ही है कि ब्लैक कार्बन होता क्या है, और गंगोत्री ग्लेशियर में इस बार समर में लगभग 400 गुना ज़्यादा ब्लैक कार्बन इकट्ठा हो गया था, जिससे कि वहाँ पे ग्लेशियर की मेल्टिंग शुरू हो गई थी। अब दोस्तों देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है रेड पांडा। हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर एक रिपोर्ट ने ये पाया है कि भूटान और भारत में रेड पांडा के शिकार में बहुत भारी गिरावट आई है, और 2016 से 2019 के बीच में सिर्फ 13 सीजर्स हुए थे इससे संबंधित, भारत, नेपाल और भूटान में। अच्छा, ये रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, इस रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ इलीगल ट्रेड रिलेटेड थ्रेट्स टू रेड पांडा इन इंडिया एंड सेलेक्टेड नेबरिंग रेंज कंट्रीज। 2010 से 2019 के पीरियड में इसने स्टडी की। इसमें अच्छी चीज़ ये पता लगी कि जो इन कंट्रीज़ का यूथ है उसका जो है वो रेड पांडा में इंटरेस्ट जो है वो नहीं रह गया है, मतलब कि वो जो है इसकी हंटिंग को डिस्करेज करता है। तो इससे क्या हुआ है कि इसकी जो मार्केट है, ई मार्केट, इसकी इसकी जो भी मार्केट है रेड पांडा की, वो बहुत कम हो गई है, बहुत गिर गई। तो इसकी वजह से इसकी हंटिंग जो है वो बहुत कम हो गई है, इसके इंसिडेंट्स में बहुत कमी आ गई है। हाँ, लेकिन एक समस्या जो है वो अभी भी है। वो समस्या क्या हो रही है कि रेड पांडा जो है वो कुछ रेड पांडा दूसरे जानवरों के लिए बिछाए गए जालों में फंस के जो है वो उनकी मौत हो जा रही है। तो रेड पांडा के लिए एक जो है वो बुरी चीज़ ये हो रही है। बाकी चीज़ें जो है वो रेड पांडा के लिए जो बाकी इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव आ रहे हैं कि इनका जो मार्केट, क्योंकि जो स्टडी की गई उसमें जो है वो स्टडी करने वालों ने मार्केट सर्वे किए, ई कॉमर्स वेबसाइट देखी, गाँवों में बात की जाके लोगों से, जो लोग रेड पांडा ट्रेड में इन्वॉल्व थे उन लोगों से बात की, तो उसमें जो है वो कुल मिला के उनको ये पता लगा कि रेड पांडा का ट्रेड तो बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स अभी भी हैं जो कि जिनमें कि वो जो है वो दूसरे जानवरों के लिए बिछाए गए जालों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी है कि एक इनके लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो क्या है, वो उनका डिमिनिशिंग हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब क्या होता है, उनके रहने की जगह, ठीक है। अब समस्या क्या है कि रेड पांडा जो है वो कुछ ही तरह के स्पीसीज होती हैं, बैम्बू की, बांस की, ये उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं पे सरवाइव कर पाते हैं, उन्हीं पे। आप देखेंगे तो आप जब भी पांडा को देखेंगे तो वो बांस पे लटका रहता है, बांस पे पड़ा रहता है। तो इस तरह के हैबिटेट की कमी भी जो है वो पांडा के लिए बड़ी खतरनाक है, बड़ी निराशाजनक खबर लेके आती है। अच्छा, आइए अब देखते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं रेड पांडा के बारे में और डिटेल में। रेड पांडा जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में, इसको एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया, एंडेंजर्ड स्पीसी की श्रेणी में रखा गया है। इसका शिकार क्यों होता है, इसका शिकार होता है इसके मीट के लिए, इसके फर के लिए, मतलब इसकी जो चमड़ी होती है उस पे बाल होते हैं, उसका फर होता है, तो उसमें जो है वो फर से लोग, आप देखते हैं कि वो कपड़े बनते हैं, कोट बनते हैं, गद्दे बनते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो उसके लिए इनका जो है वो शिकार होता है। साथ में जो है वो लोग जो है पांडा को पालतू जानवरों की तरह पालते भी हैं, जो कि बहुत ही गलत है। पांडा जो है एक पालतू जानवर नहीं है, वो जंगली जानवर है, उसको जंगल में ही रहना चाहिए। अच्छा, आगे देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में तो पांडा की जो संख्या है वो कम है ही है। नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना और म्यांमार में मिला के, कुल मिला के 14,500 पांडा है, ठीक है।
अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में, इन चार स्टेट्स में 5 से 6 हज़ार रेड पांडा जो है वो प्रेजेंट है। ये जो है वो चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। चाइना में 6 से 7 हज़ार रेड पांडा है। नेपाल में भी कुछ पाए जाते हैं। भूटान और म्यांमार में जो है वो इनका एस्टिमेट नहीं लगाया गया। नेपाल में लगभग 580 जो है वो रेड पांडा पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें आखिरी पॉइंट देखते हैं। रेड पांडाज जो हैं वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा रेड पांडा अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। यहाँ की 11 डिस्ट्रिक्ट में इनको पाया जाता है। तो इसके बारे में जानने का बस यही है कि नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना, म्यांमार में लगभग 14,500 हैं। भारत में 5 से 6 हज़ार पांडा, रेड पांडा पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में है। इनके साथ समस्या, इनका ट्रेड, इनका शिकार क्यों होता है? इनके मीट के लिए, इनके फर के लिए और पेट ट्रेड के लिए। IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है वो इनका जो शिकार है उसमें बहुत भारी मात्रा में कमी आई है, समस्या हो रही है इनके हैबिटेट लॉस से, और कई बार इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये दूसरे जानवरों के लिए बिछाए गए जालों में फंस जा रहे हैं। ये टॉपिक हो गया, आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने और HRD मिनिस्ट्री, स्पेसिफिकली HRD मिनिस्ट्री ने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बिल 2019 राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये बिल क्या करता है? ये बिल जो है वो तीन इंस्टीट्यूट्स को संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट करता है। वो इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, एंड और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। ये तीनों जो है अब संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी। ये इन तीनों, इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। इनका काम होगा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, और इस ऐसा करने के लिए जो मैन पावर की ज़रूरत होगी उसकी ट्रेनिंग का काम भी ये विश्वविद्यालय ही करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये विश्वविद्यालय क्या करेंगे, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी? ये जो है वो स्टडी के लिए कोर्स प्रिस्क्राइब करेंगी कि संस्कृत के लिए क्या 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 कोर्स होना चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या कोर्स होना चाहिए। ये विश्वविद्यालय डिग्रीज, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी देंगे। और ये लोग जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब दूरस्थ शिक्षा जो होता है उसके माध्यम से भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये विश्वविद्यालय जैसे बाकी विश्वविद्यालय कर सकते हैं, ये विश्वविद्यालय भी जो है वो किसी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या कॉलेज को अपनी मान्यता दे सकते हैं। मतलब कि इनके ये ऐसे कॉलेजों को मान्यता देंगे जहाँ पर यूनिवर्सिटी के नाम पर पढ़ाई होगी, संस्कृत की पढ़ाई होगी और संस्कृत के प्रचार प्रसार का काम होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं हम जरा इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ चीज़ें। इन यूनिवर्सिटीज़ में एक कोर्ट होगा जो कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ और इनकी जो जो भी इनकी पॉलिसीज़ होंगी उसको रिव्यू करेगा, उनको देखेगा कि वो सही हैं कि गलत हैं, क्या हैं, उनको अपडेट अपने हिसाब से करेगा। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाएगा जो कि इसकी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। एक 15 मेंबर का काउंसिल भी बनाया जाएगा। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा टू क्रिएट टीचिंग एंड एकेडमिक पोस्ट एंड देयर अपॉइंटमेंट एंड मैनेज द रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी की जो देख रेख का काम है, उसका जो पैसा आ रहा है वो कहाँ आवंटित किया जाना है, कैसे खर्चा होना है, ये सारा काम जो है वो 15 मेंबर काउंसिल करेगा। और इस काउंसिल में वाइस चांसलर भी होंगे जो कि सेंटर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है वो एक एकेडमिक और एक्टिविटी काउंसिल होगा जो कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वो एकेडमिक पॉलिसी और एक्टिविटीज़ वहाँ की डिसाइड करेगा कि क्या होना है। और आखिरी इसमें जो है वो एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होगा जो कि रिसर्च से संबंधित जो है वो विषयों पर, किस मामले में रिसर्च होनी चाहिए, वो जो है वो निर्धारण करेगा इसमें। ठीक है, अब इसमें आखिरी चीज़ देखते हैं कि विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जैसे कि बाकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें कि प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ के विजिटर होते हैं, ऐसा ही यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा। भारत के राष्ट्रपति जो है वो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के विजिटर होंगे। और जैसा कि नियम है कि ये जो है राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी को अपॉइंट कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटी की देखभाल और फंक्शनिंग पर नज़र रखने के लिए। अब दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा, तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है।
दोस्तों अभी हाल ही में इजिप्ट ने जो है वो जोसेर पिरामिड को 14 साल के रेस्टोरेशन के बाद, 14 साल के रखरखाव के काम के बाद खोला, और इसमें जो रखरखाव का खर्चा आया वो लगभग 6.5 मिलियन डॉलर का आया। जोसेर का पिरामिड जो है वो पहला पिरामिड था जो बनाया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये लगभग 4700 साल पुराना पिरामिड है, जैसा कि हमने बोला कि पहला पिरामिड था जो बनाया गया था। ये कहाँ पर है? ये सकारा आर्कियोलॉजिकल साइट पे है, जो कि कायरो के पास है। अच्छा, कहा जाता है कि जोसेर पिरामिड जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी स्टोन बिल्डिंग है, ठीक है। और इसको जो है वो इसको इसका नाम जो है वो राजा वहाँ के थे जोसेर, जो कि एंशेंट इजिप्ट की थर्ड डायनेस्टी के दूसरे राजा थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और इसको जो डिज़ाइन किया था, इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे इम्होटेप। इम्होटेप जो है वो राजा के दरबार में डॉक्टर थे, एस्ट्रोलॉजर थे और उनके मिनिस्टर भी थे। अब इसमें समस्या क्यों हुई थी? 92 में जो है वो इजिप्ट में एक अर्थक्वेक आया था, जिसमें कि जोसेर के पिरामिड को बहुत नुकसान पहुंचा था। और जो है वो जब 2006 में इसका कंस्ट्रक्शन, इसका रेनोवेशन शुरू हुआ, तो उसकी हालत जो है, स्थिति उसकी और जर्जर हो चुकी थी। इसी के चलते जो है वो उसको फिर से बनाया गया, और 14 साल के लंबे समय के बाद उसको आम जनता के देखने के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय रेलवे का फ्लेक्सी फेयर सिस्टम, इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों आप लोग ट्रेन से सफ़र तो आप लोगों ने किया ही होगा, तो कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जिनमें कि कहा जाता है कि डायनेमिक प्राइसिंग हो रही है। तो वो जो डायनेमिक प्राइसिंग होती है उसी को जो है वो फ्लेक्सी फेयर सिस्टम कहा जाता है। डायनेमिक प्राइसिंग में होता क्या है कि डायनेमिक प्राइसिंग में ऐसा होता है कि जैसे जैसे टिकट बुक होते जाते हैं, वैसे वैसे जो टिकट का प्राइस होता है वो बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है कि जितने कम टिकट होते हैं उतना ज़्यादा प्राइस होता है। इसका रीज़न, इसको शुरू करने का रीज़न ये है कि बहुत सारी जो है वो सीटें राजधानी शताब्दी दुरंतो की तरह की जो ट्रेनें हैं उनमें खाली चली जा रही हैं, और बहुत नुकसान होता है भाई। सीटें खाली जाएंगी, ट्रेन को तो चलना ही है उतनी देर, ट्रेन का खर्चा तो उतना आएगा ही, तो और रेवेन्यू उतना आता नहीं है, तो इसकी वजह से, ट्रेन खाली जाने की वजह से नुकसान बहुत होता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए फ्लेक्सी फेयर सिस्टम शुरू किया गया, जिसको डायनेमिक प्राइसिंग भी कहा जाता है। अगर एग्जैक्ट टर्म्स में बात करें तो किराया जो है वो हर 10% सीट बिकने के बाद 10% से बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रेन में जो है वो 100 सीटें थी, तो उसमें से 10 सीटें बिक गई, 10 सीटें बुक हो गई, तो उसके बाद जो आगे की सीटें हैं उनके लिए किराया 10% बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी लिमिट होती है, इसकी लिमिट ये होती है कि जो किराया है वो कुल मिला के 1.5 टाइम्स, मतलब डेढ़ गुना, बेसिक फेयर से डेढ़ गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता, डेढ़ गुने तक सीमित रहता है, ठीक है। तो इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ है कि होता क्या है कि जैसे जैसे ट्रेन की टिकटें बिकती जाती हैं, मतलब जैसे जैसे ट्रेन में सीटें कम होती जाती हैं, उनका प्राइस जो है बढ़ता जाता है। डायनेमिक प्राइसिंग हम जो है वो ज़्यादातर एयरलाइंस में देखते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे यात्रा का समय पास आता है और ट्रेन की सीटें कम होती जाती हैं, वैसे वैसे एयरलाइंस की टिकट महंगी होती जाती है। अगर आज हम जो है वो अगस्त के लिए किसी फ्लाइट में टिकट देखेंगे तो वो बहुत सस्ता होगा, अगर हम अगस्त में अपनी यात्रा के 3 दिन पहले देखेंगे तो वही टिकट बढ़ जाता है। तो उसी को डायनेमिक प्राइसिंग कहते हैं। इंडियन रेलवेज़ ने भी उसको इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस उसको 2016 में ही किया था, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है ट्रेनों के लिए। तो ये टॉपिक यहाँ पे हो गया, आइए देखते हैं अब आगे क्या है। दोस्तों अब अगला टॉपिक जो आप देखेंगे वो है प्रोजेक्ट अरुणांक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट अरुणांक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। प्रोजेक्ट अरुणांक का एम क्या है कि जो रिमोट एरियाज हैं बॉर्डर के आसपास, उनको जो है वो सड़कों के माध्यम से जोड़ना, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, वो दापोरिजो ब्रिज एक वहाँ पर था, दापोरिजो ब्रिज को रिप्लेस करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस समय पूरी जोर के साथ लगा हुआ है। दापोरिजो ब्रिज को इस रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये जो ब्रिज था ये पूरी तरह से इसमें जंग लग चुकी थी, और
इससे जो है वो बहुत ख़तरा उत्पन्न हो गया था इस पर चलने वाले लोगों के लिए। तो इसीलिए जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस समय इसको इसके कंस्ट्रक्शन में फिर से लगा हुआ है प्रोजेक्ट अरुणांग के अंतर्गत। अच्छा एक चीज़ छोटी सी और जान लेते हैं कि जो दापोरिजो ब्रिज है वो सुबनसरी रिवर पर सिचुएटेड है। चलिए दोस्तों आज का आखिरी टॉपिक अब देखते हैं, और मार्च का भी ये आखिरी टॉपिक होगा, और इसके बाद जो है वो अगले वीडियो में हम फेब्रुवरी के करंट अफेयर्स एक बार देखेंगे। अच्छा आज का जो आखिरी टॉपिक है मार्च के एडिशन का वो है प्रोजेक्ट मो जीवन, जो कि ओडिशा की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इसमें बहुत कुछ खास जानने के लिए नहीं है, जो चीज़ें हमने कोरोना के बारे में अभी तक पढ़ी थी ये बस वही है। उड़ीसा सरकार ने ये पहल शुरू की है जिसमें कि वो लोगों को प्रेरित कर रही है कि कोरोना के संक्रमण के चलते आप लोग घर पे ही रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। अगर किसी को घर से निकलना ही पड़ता है तो वो घर में घुसने से दोबारा जब लौटे तो घर में घुसने से पहले 20 सेकेंड तक जो है वो अपने हाथ धोए। और इसमें जो है वो लोगों को इसी तरह के व्यवहार सिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि वो अपने और अपने परिवार का बचाव कर सकें। दोस्तों ये इस टॉपिक के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर खत्म हो गया। हमारा ये करंट का जो पहला वीडियो था इनिशिएटिव वो ख़त्म हो गया। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम फरवरी के करंट अफेयर्स उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी उसको भी ख़त्म कर दें। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, आज के वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहाँ पर हम बात कर रहे थे नेशनल क्रेच स्कीम के बारे में, तो उसमें कुछ एक थोड़ी सी वीडियो में गलती हो गई थी, तो मैं उसका जो है वो एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब हम इस वीडियो को कर रहे थे तो मैंने आखिरी पॉइंट इसमें जो बताया था कि इसमें चार्जेस किस हिसाब से लिए जाने हैं, तो मैंने बताया था कि बीपीएल फैमिलीज से 20 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ लिया जाएगा। इसके बाद के जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा गलत बता गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और उसको मैं करेक्शन कर देता हूँ अभी इसी वीडियो में। इसमें जो प्रोविज़न है वो ये है कि अगर कोई फैमिली है जहाँ पर दोनों पेरेंट्स की इनकम जो है वो 12,000 रुपये पर मंथ तक है, तो उस ऐसे फैमिली को 100 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ देना पड़ेगा। मतलब बीपीएल फैमिली है तो 20 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ, और अगर किसी फैमिली की मंथली इनकम 12,000 रुपये तक है तो उसको 100 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ, और 12,000 से ज़्यादा है तो उसको 200 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, आखिरी दोनों पॉइंट्स मैंने गलत कर लिए थे। तो अब यहाँ पे आए हैं तो एक बार जल्दी से हम जो है वो नेशनल क्रेच स्कीम को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर ऐसा ना रहे कि वो आगे पीछे हो गया। नेशनल क्रेच स्कीम, जिसको पहले राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम कहा जाता था, क्रेच होता क्या है? क्रेच ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर पेरेंट्स कहीं बाहर काम करते हैं बच्चे के, या खासकर माँ कहीं बाहर काम करती है, तो बच्चे को उस दौरान एक क्रेच में ले जाके छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसको उसकी देखभाल की जाती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था होती है। 3 साल से छोटे बच्चों को स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, और 3 से 6 के बीच में बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन भी दी जाती है। वहाँ पे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, और नेशनल क्रेच स्कीम के अंतर्गत जो क्रेच हैं वो महीने में 26 दिन खुले रहते हैं और दिन में 7.5 घंटे ये काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई परिवार है जिसमें कि माँ बाप हैं और बच्चा है, और बच्चा और माँ बाप को नौकरी पर जाना पड़ता है, तो दिन में 7.5 घंटे के लिए वो इनको नेशनल क्रेच स्कीम के अंतर्गत किसी क्रेच में छोड़ सकता है। यहाँ पर एक क्रेच की लिमिट है 25 बच्चे, 25 बच्चे से ज़्यादा किसी क्रेच में नहीं रखे जा सकते, और यहाँ पर इनके साथ एक वर्कर और एक हेल्पर भी होना चाहिए। ये नेशनल क्रेच स्कीम के बारे में हो गया। इसके चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से एक बार छोटे से बता देता हूँ कि बीपीएल फैमिलीज को 20 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ देना पड़ता है, 12,000 से कम आमदनी वालों को 100 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ, और 12,000 से ज़्यादा आमदनी वालों को 200 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ देना पड़ता है। इसके साथ दोस्तों हमारी मार्च की ये जो वीडियो लेक्चर है ये 2 पार्ट में बन के तैयार हुआ, और ये आज जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे मोस्ट प्रोबली कल, उसको जो है हम उसमें कोशिश करेंगे कि फरवरी का जो पूरा करंट अफेयर्स है उसको हम ख़त्म कर लें, ताकि जो है वो जल्दी जल्दी 10 दिन के अंदर में हम जो है वो एक बड़ा पोर्शन इसका ख़त्म कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।